अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से। चलते हैं जे सिक्स टू की रिव्यू की तरफ। लाइट गोल लाइट है, ये नीचे फवारी भी है। लाइट जो है इसकी तो वही ऑर्डिनरी सी लाइट है और क्रिस्टल नहीं है, आम सी लाइट है गोल की, जिस तरह 1984 में हुआ करी। ये दूसरी इंडिकेटर वाली बेल पे, इसे हैजर्ड लाइट्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टोयोटा डीजल इंजन है, इंजन में मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन सा इंजन है। नीचे इसका जो बम्पर है, बम्पर तो नहीं कोई और मखलूक है, अगर आप देखें तो इस पर जो भी चीज़ ट्रक के साथ इसका मुकाबला होता है। ये जो है तो ये खींचने के लिए लीवर सा है, तो एक ऑटोमेटिक होता है एक मैनुअल होता है। ये वाला जो है तो ये मैनुअल है और इस तरफ भी ये लाइट इंडिकेटर। नीचे फुवारा है जो उस ज़माने में भी हुआ करता है, क्योंकि एक ऑफ रोड कार है तो इसे प्रेस करने से इसे पानी आते है, तो अगर कहीं ऑफ रोड माहौल में हो तो हेडलाइट का मसला ना बने। ये इंडिकेटर है लेकिन ये चेंज किया हुआ है, जिसकी वजह से ये थोड़ा क्रिस्टल दिखाई देता है। नीचे बम्प पर अगर आप देखें तो बहुत बेहतरीन है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा आप लोगों को। और ये मेटल आयरन बहुत बेहतरीन। दोस्तों ये इंडिकेटर के लिए है, ये हम मैंने जैसे कहा कि तो इस वाली जीप में ये इंडिकेटर के लिए ये है, जो अगली वाली है तो ये हैजर्ड के लिए। तो टायर जो है तो थोड़े थिन से है जो नई जीप से, तो उसकी तरह नहीं है। और नीचे जो इसमें है तो ये ऑटोमेटिक डिफ लॉक है इसमें। फिर अगर इधर देखें तो इसमें फुट पैड्स नहीं, क्योंकि मैंने जैसे कहा ऑफ रोड कार है बिल्कुल। और इसमें कमानी का सिस्टम है, इसमें शॉक्स वगैरह नहीं है, और जिसकी वजह से इसमें ऑफ रोड में इसके आसानी कोई नहीं। ये जो है तो ये डोर लॉक इसका, और ये जो है तो साइड मिरर है जो कि ब्लैक है, तो लगे तो पता नहीं चलता कि लगी है कि नहीं, दाग धब्बों का पता नहीं चलता। आगे जाते हैं तो इस वाली टायर्स भी उसी वाले है, उसमें जो रिम्स है तो वो जेन्युइन है, 1984 में जो रिम्स आए थे इसमें वही रिम्स लगी हुए है, तो ये किस्म से एंटीक पीस हमारे साथ खड़ा हुआ है। टायर जो इसमें है तो इसमें इसी किस्म के टायर्स आते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि आप इसमें बड़े टायर्स क्यों नहीं लगाते, लेकिन इसमें इसी किस्म के टायर्स आते हैं। तो देखें तो कोई वैगन जैसी है वो बहुत बड़ी, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आप देखें तो बहुत ज़्यादा है। दोस्तों गाड़ी की पीछे आते हैं तो इसमें भी वो इसी तरह का बम्पर है मेटल का, जो आजकल की गाड़ियों में प्लास्टिक का बना होता है। ये जो है लाइट्स इंडिकेटर रिवर्स, और नीचे जो है ब्रेक्स वाली है, ये जो लगी हुई है तो ये ऑफ रोडिंग के दौरान कोई पत्थर शत्थर आया था। और ये जो है तो क्रोम का बना हुआ सा ग्रिल है, टोयोटा एस पी के ऊपर लिखा हुआ है। ये जो लाइट है तो ये भी अगर आप देखें तो इसका साइलेंसर लेफ्ट हैंडेड है। तो ये गाड़ी में यूनिक बात ये है कि ये लेफ्ट हैंड है और ये जर्मन मेड कार है, जर्मनी की कार है। और ये अगर आप देखें तो पीछे डिग्गी इसकी दो फेजेज में खुलती है, एक में ऊपर और एक में नीचे। ये जो है जैसे मैंने कहा कि बम्पर इसका बहुत सख्त है, नीचे टायर जो है इसका है नीचे लटका होता है, जो इस ज़माने में जीप से तो उसके पीछे डिग्गी पे लटका होता है, लेकिन इसमें नीचे है। और इस छत अगर आप देखें तो काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी बड़ी छत है माशाल्लाह। तो ओवरऑल अगर आप देखें पीछे से तो पीछे से इसकी लुक ऐसी नहीं है कि आप इसकी तारीफ कर सके, लेकिन इसको प्रेस करना होगा तो ये खुल जाएगी दो फेजेस में जैसे मैंने कहा। तो डिग्गी में इसमें कोई सीट्स नहीं आते, लेकिन आप इसमें लगा सकते हैं सीट्स। और बाकी जो अगर आप पीछे देखें तो ये दूसरे फेज में खुलती है। ये साइड वाली भी उसी साइड की तरह है, टायर्स इंडिकेटर और क्रोम का हैंडल और चार खिड़कियाँ।
दोस्तों गाड़ी के इंटीरियर में हम बैठ चुके हैं। तो इंटीरियर में लैंड क्रूज़र अपना ही नाम है, इसका अपना ही दबदबा है। मीटर में आपको बैटरी का चार्ज दिखाते हैं, फ्यूल दिखाती है। इसको स्टार्ट करने के लिए हीटर देनी पड़ती है सर्दियों में, क्योंकि आपको जैसे पता है कि डीजल सर्दियों में फ्रीज़ हो जाती है, तो इसलिए इसे हीटर देना होता है स्टार्ट होने के लिए सर्दियों में। ये इसका चौक है, तो इसे खींच कर आप एक्सेलरेट कर सकती है। तो इसके साथ साथ दोस्तों गियर है इसमें, वो गियर ऑल व्हील भी कर सकते हैं आप, इसे टू व्हील भी कर सकते हैं, फ्रंट व्हील रियर व्हील ये भी कर सकते हैं आप। इसमें एसी के बटन है इसमें, और हवा को गर्म ठंडी हवा की, ये अगर आप ये देख सकते हैं तो इसकी यही वार्म और कोल्ड एयर की बातें सारी। तो दोस्तों इंटीरियर तो गाड़ी का, खैर ये तो ऑफ रोड कार, इंटीरियर इतनी मैटर नहीं करती है। आप न्यू मॉडल जीप तो नहीं है, तो इसकी इंटीरियर में कोई इतना वो नहीं है। ये जो है तो इधर अगर आप कॉइन रखना चाहिए, कोई कार्ड रख सकते हैं जैसे कि हमने रखे तो उसके लिए है। और ये फिल्टर के ऑप्शन है इसमें, और ये अगर आप देख सकते हैं तो H2 और H4 L4 इसकी ऑप्शंस है, जो कि है ऑफ रोड के लिए, उसको स्नो लैंड के लिए, सैंडी रोड के लिए, मिनिमम ट्रैक्शन, मैक्सिमम ट्रैक्शन, ये सब कुछ ऑप्शंस इसमें आती है। तो ये आप गियर के साथ कर सकते हैं, इसको आप रियर व्हील और फ्रंट व्हील या और व्हील कर सकते हैं। तो अगर ये आप देख सकते हैं तो क्रोम का इस्तेमाल इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा है। ये अगर आप देख सकते तो इसका हैंड ब्रेक, और इधर अगर आप कुछ रखना चाहें, कपड़े रखना चाहें या कोई और आपका कोई रख चीज़ रखना चाहे तो वो रख सकते हैं आप। गाड़ी के पिछले हिस्से में चढ़ते हैं दोस्तों, तो पिछले हिस्से में बैठते ही साथ आपको, एक तो आपको ये गाड़ी काफ़ी ऊपर है तो अपने ही दबदबा महसूस होता है, दूसरी बात ये कि लेग स्पेस और हेड स्पेस तो इस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा। दोस्तों गाड़ी के डोल हैंडल्स वही क्रोम के, और नीचे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ अगर आप कोई गन रखना चाहते हो इसके लिए कंपार्टमेंट से दिया गया है। और दूसरा डोर भी इसी डोर में, जिसमें वही ऑप्शन है जिसमें अगर आप गन रखना चाहे तो वो कर सकते हैं आप। लेग स्पेस तो काफ़ी ज़्यादा है, पहले भी बताया, काफ़ी खुली कार है अंदर से, वैगन सी ऐसी लगती है बाहर से। हेड स्पेस भी काफ़ी हाइट और लेग स्पेस का तो कोई इशू नहीं है, बहुत से लोग इसमें आराम के साथ बैठ सकते हैं। और पीछे अगर आप देख सकते हैं तो पीछे पहले भी बताया कि सीट्स नहीं है, सीट्स आप अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। गाड़ी के इंजन की तरफ जाए तो दोस्तों इसमें 2H इंजन आता है, 2HT भी आता है और 4HP आता है, लेकिन ये जो है 4000cc इंजन है, 2H इसका नाम है, आयरन कास्ट है, जिसकी वजह से ये गाड़ी की इंजन काफ़ी मजबूत है। और ये जो इसमें पहले इंजन था तो वो 36 सालों से लगा था, 6 लाख किलोमीटर चला था, फिर हमने इसमें बाद में बोर कराया तो तकरीबन 36 सालों से एक ही इंजन था, बाद में बोर करके तो इसकी इंजन को हमने रिन्यू किया था। मतलब ये कि काफ़ी मजबूत कार्स है इसकी इंजन वाइज से, क्योंकि आयरन कास्ट है और आजकल के इंजन की तरह बिल्कुल नहीं है। एक मतलब आपने इसको अगर सही कर दिया तो फिर ये चलता ही रहता है। पहले बताया 36 सालों से एक इंजन था, फिर हमने बोर कराया तो 2HT में टर्बो आती है, और तो इसमें टर्बो नहीं है, नेचुरली एस्पिरेटेड है। हॉर्स पावर तो गाड़ी की इतनी नहीं है, लेकिन टॉर्क्स इस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसकी 4000cc to a